अरे क्या यार चॉप, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। ये देखो तुम्हारी वजह से क्या हुआ, हमारी बॉल पानी के अंदर चली गई है। अरे मेरी वजह से कैसे गई, बॉल तो तुमने फेंकी थी। अरे तो क्या हुआ, तुम्हें पकड़नी चाहिए थी। शिनचान तुम नाम मेरे पे मत डालो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम बस मानना नहीं चाहते, ये तुम्हारी ही गलती है। मेरी नहीं, तुम्हारी गलती है। अरे मैंने कहा ना तुम्हारी गलती है। हाँ तो मैं भी कह रहा हूँ तुम्हारी गलती है। एक काम करो छोड़ो, चुपचाप फ्रैंकलिन भैया को बुलाते है। फ्रैंकलिन भैया। अरे यार अभी क्या है, शांति से एक्सरसाइज भी करने नहीं देते, अब क्या कर दिया जो इतना चिल्ला रहे। जल्दी से जाके चेक करते गाइस, वो रहे दोनों जन नीचे, यही से कूद जाता हूँ। ओ भाई साहब क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो। अरे देखो ना फ्रैंकलिन भैया, इस चॉप के बच्चे ने पानी में बॉल को डाल दिया। शिनचान पानी में बॉल को नहीं, बॉल को पानी में डाल दिया। अरे वो जो भी हो, गलती तो तुम्हारी थी ना। अरे मेरी नहीं, तुम्हारी थी। अरे यार तुम दोनों झगड़ा बंद करो, मैं जाके लेके आता हूँ, जल्दी से चलते अंदर। ओ भाई एक मिनट, ये क्या गाइस, जरा पुल को देखो तो सही, इतना गंदा हो रखा है। चलो जब अंदर उतर ही गया हूँ तो साफ कर ही देता हूँ। गाइस आप लोग देख रहे हो पुल के अंदर से कितना कचरा निकला है, मैं खाली ये बॉल लेने गया था, आज तो इन दोनों की खैर नहीं। शिनचान चॉप, एक मिनट फ्लैश, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी अचानक। मुझे तुमसे एक मदद चाहिए थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वो सब तो ठीक है, पर ये किसका बच्चा साथ में लेके घूम रहे हो, तुमने बताया नहीं तुमने शादी कर ली। मैं इसी काम के लिए तुम्हारे पास आया हूँ, एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। तुम्हें ये जो बच्चा दिखाई दे रहा है, ये फ्यूचर से आया हुआ फ्लैश है, पर ये अपनी मर्जी से नहीं आया। रिवर्स फ्लैश ने अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके मल्टीवर्स में एक पोर्टल खोल दिया और इसे इस डायमेंशन में भेज दिया, ताकि वहाँ पर उसे रोकने वाला कोई भी ना हो। क्या बात कर रहा है, फिर तो इसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तुम एकदम सही कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद इसकी उम्र भी कम हो गई है और इसकी सारी पावर्स भी चली गई है। और जब ये बात रिवर्स फ्लैश को पता चली तो वो भी इस डायमेंशन में आ गया है। इससे पहले वो इस तक पहुँचे, हमें इसे पोर्टल तक पहुँचाना होगा। तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें तो पोर्टल के पास होना चाहिए था। मैं वही ट्राई कर रहा हूँ, पर रिवर्स फ्लैश और उसके आदमी हमारे पीछे पड़े हुए है। ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अरे पर मैं कैसे, जब तुम उसका सामना नहीं कर सकते तो मैं कैसे करूंगा। मेरी बात को समझो और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपना सूट दूंगा और थोड़ी सी पावर भी। अच्छा ठीक है। ओ भाई साहब, गाइस यार मानना पड़ेगा, ये वाला सूट है तो अच्छा, दिखने में भी काफी कूल है। तो अब इसके आगे क्या, हमें अभी के अभी निकलना होगा, इससे पहले के रिवर्स फ्लैश के आदमी यहाँ तक पहुँचे, हमें पोर्टल तक पहुँचना है। अरे क्या बात कर रही हो, वो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे ना, फिर तो वो लोग यहाँ पर आने ही वाले होंगे। अबे यार ये तो गड़बड़ है, एक काम करो सब लोग मेरे पीछे आ जाओ, हम यहाँ से तुरंत ही निकल जाएंगे। गाइस यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसका वास्ता सीधा फ्यूचर से। वैसे एक बात पूछना तो भूल ही गया, मुझे पता ही नहीं कि पोर्टल कहाँ पर है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने पता लगा लिया है। तो फिर ठीक है, तुम मुझे रास्ता बताओ। हमें वहाँ तक पहुँचने में 1 से 2 घंटे जाएंगे। अबे इतना दूर है, दूर तो नहीं पर वो पहाड़ों पर है, वहाँ गाड़ी चलाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अरे बाप रे, ये गोली किसने मारी, गोली मारी। अबे यार ये लोग कहाँ से आ गए। अरे नहीं, ये तो रिवर्स फ्लैश के आदमी है। अबे यार ये क्या मुसीबत है, इनसे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। उफ़ सॉरी अंकल, पर थोड़ा घाई में हूँ। अरे यार ये लोग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, मुझे थोड़ी सी चालाकी दिखानी पड़ेगी। ये यहाँ स्पीड से आएगा, और गाइस ये भी गया। चलो दो गाड़ियाँ तो गई, अब बस एक बची है। एक मिनट, ऐसा लग रहा है वो भी हमारे नजदीक पहुँच गई। अबे यार दो को तो मैंने टपका दिया था, तो फिर ये 3 से 4 कैसे हो गई। फिलहाल हमारे पास इनसे लड़ने का टाइम नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी पोर्टल के पास पहुँचना है। चलो दो गाड़ियाँ तो वहाँ पर गई और एक मुझे लगता है पीछे रह गई है, और एक जो बची वो हमारा पीछा कर रही है। गाइस हम लोग कच्चे रास्ते से होते हुए जाएंगे, ताकि उन्हें पता ना चले। बस ये वाला प्लान काम कर जाए यार। गाइस प्लान काम कर गया, वो लोग वहाँ से मुड़ गए, उन्हें लग रहा होगा कि मैं रोड साइड से गया हूँ, आखिरकार हमने उनसे पीछा छुड़ा ही लिया। अबे यार फ्लैश ने तो सही कहा था, गाड़ी को यहाँ चढ़ाने में तो हालत खराब हो गई है। और हम लोग कब पहुँचेंगे। बस यार चॉप, मुझे लगता है हम लोग पहुँचने वाले है। 1 मिनट भाई साहब, जरा देखो तो सही, 1 मिनट पोर्टल से कोई तो बाहर आ रहा है। भाई साहब, दूसरे डायमेंशन का रिवर्स फ्लैश यहाँ पर पहुँच चुका है, अब ये गड़बड़ वाली बात है। वो बच्चा मेरे हवाले कर दो, तुम्हारी भलाई इसी में है। अरे ये किसकी आवाज थी, और ये किसका बच्चा मांग रहा है। शिनचान यार मजाक का टाइम नहीं है, तुम में से कोई भी गाड़ी से नीचे मत उतरना जब तक मैं नहीं बोलूं। मुझे लगता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया, वो बच्चा मेरे हवाले करो अभी के अभी। देख रिवर्स फ्लैश, मैं नहीं चाहता यहाँ पर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो, चुपचाप अपने डायमेंशन में वापस चला जा। तुमने कहा और मैंने मान लिया, मैंने जितना कहा है उतना करो। फ्लैश मुझे नहीं लगता कि ये हमारी बात मानने वाला है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था ये बहुत खतरनाक है। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, मैंने तुम्हें वार्न किया था, अब ये लो, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ओ गाइस यार मेरा तो सर चकरा रहा है, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। फ्लैश कुछ तो आइडिया दे। यहाँ पर बस हम एक ही चीज कर सकते है, हमें गाड़ी से नीचे कूदना होगा। तू एकदम सही कह रहा है, सब लोग 3 की गिनती पे नीचे कूदो, 3। हाँ मुझे पता है, मैंने 1-2 नहीं गिना, पर इमरजेंसी थी। गए 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 गए, आउच, आउ, भाई, आउ, नहीं।
नहीं नहीं आउच यार हड्डी गई। कोई बात नहीं गाइस। अबे यार वो लोग कहाँ गिरे? फ्लैश शिनचैन कहाँ पर हो? ओ नहीं ये तो रिवर्स फ्लैश है और इसके हाथ में वो बच्चा लग गया। रिवर्स फ्लैश उसे छोड़ दे, अगर हिम्मत है तो मुझसे आके लड़। वाह क्या बात है, चिंता मत करो इस बच्चे की अच्छी खातिरदारी करूंगा मैं, तुम्हारे आंखों के सामने इसे लेकर जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। चलो मिलते हैं दोबारा। गाइस ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अबे नहीं यार वो तो उसे लेकर चला गया, ये बात मुझे फ्लैश को बतानी होगी। वो लोग यही कहीं पर गिरे होंगे, मुझे बस उन्हें ढूंढना है। फ्लैश कहाँ पर है? एक मिनट वो रहा। भाई साहब गाड़ी की हालत तो देखो एकदम खराब हो रखी है। तुम लोग तो ठीक हो ना, किसी को कोई चोट तो नहीं आई? हमारी चिंता छोड़ो और ये बताओ कि वो बच्चा कहाँ पर है, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे यार दिखेगा कैसे, मेरी आंखों के सामने रिवर्स फ्लैश उसे उड़ा ले गया। अरे क्या बात कर रही हो, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। देखो मुझे नहीं लगता वो उसे मारेगा, क्योंकि अगर उसे मारना होता तो वो यही पर मार देता। उसके दिमाग में पक्का कुछ चल रहा है। उसके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो पर हमें तो उस बच्चे को बचाना पड़ेगा ना, वो हम कैसे करेंगे? देखो मेरी हालत तो खराब है, ये काम तुम्हें ही करना होगा। अरे यार फिर से वही बात, मैं अकेला कैसे करूंगा, इस सूट में कोई पावर नहीं है। चिंता मत करो तुम सूट को यहाँ से अपग्रेड कर सकते हो। पर ये सब हमें जल्दी भी तो करना होगा, अगर ये पोर्टल बंद हो गया तो फिर ये सब किसी काम नहीं आएगा। मैं भी तुमसे वही कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है पर तुम लोग अपना ध्यान रखना, शिनचैन चौप में जल्दी आऊंगा। गाइस यार फटाफट चलते हैं यहाँ से, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। हमें उस बच्चे को कैसे भी बचा के लाना पड़ेगा, वो फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। वो अबे यार ये कहाँ से आया? और एक मिनट ये तो डेड फ्लैश है ना, मुझे लगता है ये उसके साथ मिला होगा। तेरी तो अबे कहाँ गया, गायब कैसे हो गया यार? और ये हंसने की आवाज आती जा रही है कंटिन्यू, इसका मतलब वो अभी भी यहीं पर है। ये रहा गाइस, इस बार तो इसे नहीं छोड़ूंगा, मुझे लगता है ये भी दूसरे डायमेंशन से ही आया है। और ये नहीं, अबे यार ये हो क्या रहा है? ये देखो ये वापस से यहाँ पर आया, जैसे मैं इसके पास जाऊंगा ये हो जाएगा गायब। मुझे पता ही था यार, पर इस बार इसके झांसे में नहीं आऊंगा। छोड़ो चलते, एक मिनट फिर से आया। अबे तू चाहता क्या है? क्या हुआ, इतने में हालत खराब हो गई? तुम मेरा सामना करने लायक नहीं हो, जिस दिन तुम्हारे पास ताकत आ जाएगी मैं तुमसे खुद लड़ने आऊंगा, तब तक मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लेकर आया हूँ, तुम उनके साथ मजे करना, मैं तुमसे बहुत जल्दी मिलूंगा। गाइस यार वो तो फिर से चला गया। एक मिनट ये गोलियां कौन मार रहा है? अबे ये तो वही वाले गुंडे ना जो गाड़ी में हमारा पीछा कर रहे थे। तेरी तो ये ले, और ये कहा? मुझे इनकी गन चाहिए होगी, इसकी गन ले लेता हूँ। अब बताता हूँ इनको, ये ले, देखता हूँ थोड़ा स्पीड भाग सकता हूँ। तेरी तो तू भी ले। भाई यार गाइस क्या बात है, अब इसकी बारी और ये भी गई। बूम बाम, यहाँ पर एक और है, अब बस एक आदमी बचा है और ये भी गया। नहीं नहीं रुक जाओ, मुझे मत मारो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, रिवर्स फ्लैश ने हमसे ये करने कहा था। अच्छा ठीक है चल तुझे नहीं मारता, बस मुझे इतना बता दे कि वो रिवर्स फ्लैश कहाँ पर है और वो उस बच्चे के साथ क्या करने वाला है। मैं तुमसे सही कह रहा हूँ, मैंने उसकी थोड़ी बातें सुनी थी, वो उसे यहाँ पर कमजोर करके अपने डायमेंशन में लेके जाके मारेगा, ताकि वहाँ पर भी कोई गड़बड़ ना हो। ओके इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है, चल बाय। वाह यार गाइस क्या बात है, इन गुंडों को मार के अपने को $10,000 मिले, तो देखते हैं कि $10,000 में कौन सा सूट है। और ये बाय, एक हेलमेट वाला फ्लैश, ये काफी अलग है। अब गाइस हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास दो विलन है। अभी तक मुझे लग रहा था कि खाली रिवर्स फ्लैश है, पर यहाँ पर तो एक डेड फ्लैश भी है। एक मिनट यहाँ पर एक गाड़ी पड़ी है, ये हमारे काम आएगी, यही लेके निकल जाता हूँ। चालू हो जा, चालू हो जा। चलो यार चालू हो गई फाइनली। देखो सबसे पहले तो मुझे खुद की ताकत बढ़ानी है, शहर में चलते गाइस, वहाँ पर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। एक मिनट जरा देखो तो सही, सामने इतनी सारी भीड़ लगी है और इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर ट्रक भी है। हमें गाइस पता करना चाहिए, गाड़ी को यहीं पर रोकता हूँ और जल्दी जल्दी चलते हैं। वहाँ पर एक आदमी खड़ा है, मुझे लगता है ये ऑर्गेनाइजर होगा। अरे भैया यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर मेज बैंक की तरफ से एक रेस रखी गई है, जिस पर वो लोग बहुत बड़ा इनाम देने वाले है। हाँ वो तो मैं समझ गया कि मेज बैंक की तरफ से ही होगा। अच्छा ठीक है सुनो मेरी बात, ये काफी आसान है, तुम्हें इस जगह पर आके खड़ा होना है, फिर यहाँ से भागते हुए जाना है सीधा वहाँ पर। ये एक स्ट्रेट रेस है, पर तुम जितना समझ रहे हो उतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि उस दौरान तुम्हारा पीछा करेंगी मॉन्स्टर ट्रक और ये तुम्हें उड़ा भी सकती है। ये काफी खतरनाक और जानलेवा है और तुम्हारा मुकाबला होने वाला है इन सब के साथ। अच्छा अच्छा ठीक है गाइस, यार इस रेस की हमें जरूरत थी, हमें पैसे चाहिए। देखो रेस शुरू होने वाली है, काउंटिंग शुरू हो गई और ये गो, भागो भागो भागो। अबे यार ये इस साइड क्यों आ रहा है? गाइस यार हमें जल्दी जल्दी करना होगा। ओ नहीं नहीं मॉन्स्टर ट्रक तो आने लगी हमारे पीछे, हम लोग अगर रोड साइड से चलेंगे तो ये हमें कुचल देगी। हम गाइस यहाँ से होते जाते हैं, इस जाली पे चढ़ता हूँ फटाफट। क्या गली गली से होकर जाएंगे तो मॉन्स्टर ट्रक यहाँ पर आ नहीं पाएगी, तू भी आ जा दोस्त। चलो 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 यहाँ से होकर निकलते, मुझे लगता है मैंने उनको चकमा नहीं 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 दिया चकमा, वो तो अभी भी हमारे पीछे आ रही है। कच्चे रास्ते पे भागता हूँ, मैं भी देखता हूँ कब तक पीछा करती है। गाइस कर रही है, मुझे गलत फहमी थी, दूर हो गई। भागो 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 भागो। अबे यार ये कुछ ज्यादा ही नजदीक पहुंच गई है, एक तो सामने ही है। एक मिनट अबे ये बम ब्लास्ट कहाँ से हुए, ऐसा लग रहा है ऊपर से मिसाइल आ रही है। पर यार ऊपर कौन है? अबे नहीं इन्होंने इसके बारे में तो बताया
आया ही नहीं था। एक तो नीचे ये मॉन्स्टर ट्रक पीछा कर रही है और ऊपर फाइटर जेट। ये कॉम्पिटिशन तो बहुत हार्ड है यार। ये देखो फिर से। नहीं 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 नहीं, एक भी मिसाइल लग गई तो अपना तो कचुम्बर बन जाएगा। क्या धाड़ धूड़ फूट रहे यार, मेरी फट गई है गाइस सच्ची में, क्योंकि दो तीन जेट तो मैंने देख ही लिए। एक मिनट, इतनी सारी आवाज कैसे आ रही है? यहाँ पर एक दो जेट नहीं है, यहाँ तो पूरी पलटन है भाई। चलो गाइस जैसे तैसे करके पीछा छुड़ाया, बस कैसे भी फिनिश लाइन तक पहुंच जाऊं। और ये मैंने क्रॉस कर लिया फाइनली। और फाइटर जेट भी जा चुके हैं और मॉन्स्टर ट्रक भी यहीं पर रुक जाएंगे क्योंकि रेस पूरी होती है। और गाइस उसके बदले हमें मिले हैं $1,00,000। तो देखते हैं कि $1,00,000 में कौन सा सूट है। ये बोला मार्केट और बाय। एक फ्यूचर फ्लैश, काफी ज्यादा कूल है यार दिखने में। अबे यार अब किसका फोन आ रहा है? टोनी। हाँ बोल भाई। फ्रैंकलिन मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने हल्क को एक मिशन के लिए भेजा था पर वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई और उन लोगों ने हल्क को पकड़ लिया है। तुम्हें जाके उसे बचाना होगा और वो मिशन भी पूरा करना होगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा ठीक है। टोनी ने लोकेशन भेजी है पर वो दूर है यार, यहाँ पर किसी की तो गाड़ी खड़ी है। जिस किसी भी की है माफ कर देना भाई, पर जरूरत है, इमरजेंसी में सब चलता है। चलो चलो चलो, चालू भी हो गई। अब जल्दी से उस लोकेशन के पास पहुँचते हैं यार, हमें हल्क को भी बचाना है। देखो गाइस लोकेशन तो यही की थी और सामने कुछ गाड़ियां भी खड़ी है बड़ी बड़ी। अपनी गाड़ी जल्दी से यही पर रुका देते हैं। पहले तो मुझे यहाँ पर चेक करना होगा कि है क्या क्या, यही पर छुप जाता हूँ। ओ भाई साहब, टोनी एकदम सही कह रहा था, ये मिशन पक्का बहुत बड़ा है। ये लोग यहाँ पर कुछ तो करने वाले, इन्होंने तो इसे अपना अड्डा बना दिया है। मुझे पता करना होगा ये लोग यहाँ पर करने क्या वाले। एकदम दबे दबे पैर चलेंगे गाइस, इन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ, वरना सबको पता लग जाएगा। अबे यार ये रास्ते में आ रहा है, इसे टपकाना पड़ेगा। ये ले, वो चुप 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 चुप। गाइस यहाँ पर एक गड़बड़ है, इधर तक तो मैं आ गया पर आगे बहुत सारे सोल्जर्स है और मुझे यहाँ से होते हुए वहाँ पर जाना है। इतने सारे सोल्जर्स के बीच में से मैं वहाँ तक कैसे पहुंचूंगा? देखो मुझे नहीं पता मेरी स्पीड काम करेगी या नहीं, पर मैं यहाँ पर ट्राई करने वाला हूँ, जो होना होगा हो जाएगा। और ये मैं चला। ओ गाइस यार अपनी स्पीड तो सच्ची में काम कर रही है, कोई हमें देख नहीं पा रहा। एक मिनट, ये सामने देख रहा है तेरी तो। ये ले, चलो ये तो गया। वहां पर भी एक सोल्जर है, अब उसे हम लोग नहीं दिख सकते, मुझे वापस अपनी स्पीड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये मैं चला। भाई भाई पहुंच जा पहुंच जा पहुंच जा। एक मिनट, इमरजेंसी ब्रेक। यहाँ पर तो चेक पॉइंट है। गाइस हमें दूसरे रास्ते से होते हुए जाना पड़ेगा, इसी साइड से जाता हूँ। जल्दी जल्दी, यहाँ पर एक सोल्जर है, ये भी गया। चलो यार अब यहाँ पर एक सीढ़ी दिखाई दे रही है गाइस, यही चढ़ के जाते सीधा ऊपर। आप लोग यहाँ से नीचे तो देखो, पता नहीं क्या करने वाले ये लोग यहाँ पर। अब यहाँ से होके ऊपर, ऊपर से हमें चेक करना पड़ेगा कि वो कहाँ पर है। एक मिनट, अबे ये तो ऊपर ही है, पाइप के बीच में पैर फंसा रखे इसके और उल्टा टंगा रखा है। गाइस मैं यहाँ से जंप करने वाला हूँ। और ये मैं चला। चलो गाइस ये काम कर गया, हमें बस अपने हाथ बहुत स्पीड में हिलाने ताकि मैं हवा में रहूं। हल्क तू ठीक तो है ना? मैं आ रहा हूँ तेरी तरफ। और ये पकड़ लिया गाइस। नहीं नहीं नहीं, आउच, सॉरी हल्क। पर छोड़ो यार, इसे वहां से निकाला तो सही। हल्क तू ठीक तो है ना? उन लोगों ने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं? हल्क तो ठीक है पर यहाँ पर कुछ ठीक नहीं, ये लोग यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या बात कर रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब? तुझे कैसे पता ये सब? मैंने पता लगाया था, इसलिए इन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैं यहाँ से ऐसे नहीं जा सकता, हमें ये जगह तबाह करनी ही होगी। अगर ऐसी बात है तो मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगा। जल्दी जल्दी मेरे पीछे आ जा, हमें यहाँ चारों बाजू बॉम्ब लगाने होंगे। शुरुआत यही से करते हैं गाइस। चलो यहाँ पर एक लग गया, यहाँ ऊपर चढ़ते हैं, एक ट्रेन पर लगा देते हैं। चलो चलो इस साइड। अबे यार यहाँ पर एक जन खड़ा है और ये भी गया। मुझे लगता है मेन मशीन यही से काम करती है, इन पर भी बॉम्ब लगा देते हैं यार। यहाँ पर ट्रेन की बोगियों पर, इस मशीन पर, मुझे लगता है ये सारा सामान ही ट्रेन की मदद से यहाँ पर ला रहे हैं। चलो बॉम्ब तो लगा दिए। हल्क अभी कोई रास्ता नहीं है, यही से कूदना होगा। ओ गए 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 गए, आउच लगी बहुत तेज। कोई नहीं हल्क, जल्दी जल्दी आ जा यार मेरे पीछे। गाइस सामने एक फाइटर जेट है, ये हमारे काम आएगा यहाँ से निकलने में, क्योंकि वो बॉम्ब कभी भी फट सकते हैं। हल्क यार जल्दी आना, कहाँ पर रह गया? हल्क आ गया। और ये टेक ऑफ, भाई साहब गाइस निकले और बम फूटना शुरू हो चुका है, जरा पीछे तो देखो। फाइनली हमारा मिशन कामयाब हुआ और हमने हल्क को भी बचा लिया। बस एक प्रॉब्लम है, इस जेट में तो ज्यादा फ्यूल है ही नहीं, हमें इसे कहीं पर लैंड करवाना होगा। गाइस ये इमरजेंसी लैंडिंग होने वाली है। ओ जा रहे जा रहे नीचे। ओ भाई ये क्या टप्पा कैसे खाया? प्लीज 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 प्लीज, ब्लास्ट मत होना, ब्लास्ट मत होना। रुक गई गाइस, फटाफट बाहर निकलता हूँ। हल्क क्या बोलता है, आखिरकार हम लोग कामयाब हो ही गए? अगर तुम नहीं आते तो हम ये नहीं कर पाते, तुमने हल्क की मिशन में उसकी मदद की है, हल्क तुम्हें इसका इनाम देगा, ये लो पूरे $1,000,000। क्या बात कर रहा है गाइस, यार मजा आ गया, अब हमारे पास $1,000,000 है। जल्दी से जाके अपना सूट अपग्रेड करते हैं, पैसों की हमें सख्त जरूरत थी यार। जल्दी से देखते हैं $1,000,000 में कौन सा सूट है। और ये बाय, एक लावा फ्लैश, ये वाला फ्लैश मैं पहली बार बनाऊ। अब मुझे यहाँ से चलना है यार, उस बच्चे को ढूंढना है। यहाँ पर एक बाइक रखी है, यही लेके निकल जाता हूँ। वो क्या बात है यार, हमारी बाइक में से भी आग जलने लगी, इस फ्लैश की पावर तो कमाल की है। ओहो हो, जिस गाड़ी के पास से जाते वो
भी ब्लास्ट हो जाती है। गाइस यार मजा आ गया। एक मिनट, ये जगह इतनी खाली खाली क्यों है? ओहो हो 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 हो, जल्दी से ब्रेक लग जा। जिसको ढूंढ रहे थे वो तो नहीं मिला, पर उसका चमचा जरूर मिल गया है। आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तो तेरा इंतजार खत्म हुआ भाई, ले आ गया मैं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जब तुम मुझसे लड़ने के काबिल बनोगे तो मैं तुम्हारे सामने खुद आ जाऊंगा। फिर तो बेटा तूने बहुत बड़ी गलती कर ली, मेरी पावर्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कितनी भी बढ़ जाए तुम मेरे सामने कभी नहीं टिक पाओगे। अबे यार ये कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम क्या मुझे सबक सिखाओगे, मैं ही तुम्हें सिखा दूंगा, ये लो। अबे यार ये तो बात करते करते मारने आ गया। ओ नहीं नहीं नहीं, खींच रहा अपनी तरफ, तेरी तो अभी बताता हूँ, ये ले। और अब ये का इलेक्ट्रिक बॉल्स। वाह यार गाइस क्या बात है, अब इसे बताता हूँ अपनी हाथों की मदद से। धुएं में कन्वर्ट हो रहा था ताकि फिर से भाग जाए। इस बार यहाँ पर इसकी कोई भी मायावी शक्ति काम नहीं करेगी। इतनी स्पीड में मारूंगा, इतनी स्पीड में मारूंगा ना। ओ ओ आउच, ओ ओ नहीं। अबे यार ये तो खड़ा हो गया। कहाँ गया कहाँ गया, अभी तो यही पर था, वो रहा हमारे पीछे। ओ नहीं क्या मारा है यार, रुक जा रुक जा रुक जा। अब भाई रुक रुक, ओ तेरी की सारी हड्डियां तोड़ दी रे कमर की, पानी के अंदर ही फेंक दिया। अब तो इसकी खैर नहीं, वो रहा गाइस ठीक हमारे सामने ही है, इसे तो इस बार नहीं छोड़ूंगा। अब मेरा दिमाग खसक रहा है, अब तुझे पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। वो तो मैं कब से देख ही रहा हूँ कमजोर, मुझे लगता है तुम अभी भी मुझसे लड़ने के काबिल नहीं बने हो। ऐसा तुझे लगता है ना, तो तुझे गलत लगता है, क्योंकि अभी मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी पावर। तू क्या मुझे अपनी पावर दिखाएगा, मेरी मायावी शक्तियों के सामने तो कुछ भी नहीं है। अब बस देखते जा। क्या देखते जाऊ, तेरे सिवा तो कोई भी नहीं दिख रहा। दिखेगा जरूर दिखेगा, अब ये लो। गाइस एक गड़बड़ हो चुकी है, और मुझे नहीं पता कि इनमें से असली कौन सा है। उसने जानबूझ के ये किया, पर कोई बात नहीं, मैं सबको ही मार दूंगा। इनमें से कोई ना कोई तो असली हो गई, मरोगे सब मरोगे, ये ले। और अब ये खा, किसी को नहीं छोड़ेंगे गाइस, हम लोग एक एक को पटक पटक के मारेंगे। जा यहाँ से, मुझे नहीं लगता इसमें से कोई था। वूरा वहाँ पर भाग रहा है। अबे जाता कहाँ पर है, यहाँ पर आ। बहुत मायावी शक्तियाँ लगा के रखी थी ना। अब गाइस टाइम आ चुका है इसकी पावर निकालने का। आजा भाई थोड़ा सा गले मिल ले और जा यहाँ से। चलो यार उसकी तो हालत खराब कर दी, अब जाके उसे बताते हैं क्या हुआ। शक्तियाँ काम नहीं कर रही, तुम्हें क्या लगता है मैं मौत से डरता हूँ, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अगर तुमने मुझे यहाँ मार भी दिया तो दूसरे डायमेंशन में रिवर्स फ्लैश मुझे वापस से जिंदा कर देगा। यार ये तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, तेरी तो चुप हो जा। हाँ नहीं तो कब से बोले जा रहा था। फिलहाल तो इसको मार के भी हमें $2 मिलियन मिले, जल्दी से देखते है कि इसमें कौन सा सूट मिलेगा हमें। और ये खुला मार्केट और ये बाय। अब ये काफी अलग है, ऐसा लग रहा है स्केलेटन फ्लैश है। एक मिनट ये क्या, लॉस सेंटोस में मेज बैंक की तरफ से रखी गई एक रैंप रेस और इनाम है $5 मिलियन। वो गाइस क्या बात है यार, मेज बैंक तो छा गया, स्टार्ट में वो रेस रखी थी, अब ये रैंप चैलेंज। चलो गाइस यहाँ पर तो हम लोग पहुँच गए, पर यहाँ से ऊपर कैसे जाना है। एक मिनट, मुझे लगता है ये चीज हमारे काम आएगी, इसे यहाँ पर इसलिए रखा होगा। तो जल्दी से बैठते इस पे, चालू करता हूँ और ये हम चले गाइस। वो बस पहुँचने वाला हूँ, यहाँ से मुझे रैंप दिखाई दे रही है, अब जल्दी से नीचे उतरते हैं। चलो इसे तो पकड़, अबे ये क्या हो रहा है, मुझे लगा तो नीचे चली जाएगी। चलो वहाँ पर एक आदमी खड़ा है, उससे जाके पूछते हैं। चाचा जल्दी से बताओ यहाँ के रूल्स क्या है, करना क्या है। अच्छा अच्छा ठीक है बताता हूँ, ये एक रैम चैलेंज है, तुम्हें बस इसे कंप्लीट करना है, पर शर्त ये है कि तुम एक भी बार गिर नहीं सकते, और उसी के साथ 3 मिनट के अंदर ये पूरा करना होगा। मंजूर है तो कर सकते हो। अरे यार नेकी और पूछ पूछ, चलो जल्दी से, हमें तो पैसे मिल रहे हैं, इसके हम क्यों नहीं करेंगे। तो गाइस लाल वाली गाड़ी लेके मैं निकल चुका हूँ, इतना खतरनाक भी नहीं लग रहा है ये, मुझे लग रहा है हम लोग आसानी से कर देंगे। गाइस बस ध्यान रखना है टाइम का, 3 मिनट से पहले करना है, जब टाइम की बात आती है ना तो मैं ज्यादा पैनिक हो जाता हूँ। ओहो गाइस यार मैं थोड़ा सा गलत था, ये रैम थोड़ी हार्ड है, क्योंकि यहाँ गिरने का चांस बहुत ज्यादा है, और इनकी शर्त भी आपको याद ही होगी, हम लोग गिर नहीं सकते। अबे नहीं नहीं, अभी तो गिर जाता। ओ भाई मेरा दिल मेरे मुंह में आ गया था। पर क्या संभाला है आपके भाई ने। अब यहाँ से मुझे बैलेंस करना है, दोनों टायर को आसपास रखना है। चलो चलो ये चीज वापस से ऊपर गई, अब थोड़ी गाड़ी को स्पीड में भगाते और यहाँ पर भाग गया। भाई 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 पहुंच जा प्लीज, पहुंच गया। अब चलो यहाँ से आगे। अबे नहीं फिर से वही चीज। गाइस कुर्सी की पेटी बांध लो और ये मैं चलो। ओ भाई 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 क्या फिर से। चलो गाइस ये लास्ट है, एक बार और ये मैं चला। ओ पहुंच जा। चलो फाइनली गाइस इस बॉल से होते हुए आगे निकले। ओ सीधी हो जा। अब यहाँ पर एक और बॉल के ऊपर से होते हुए जाना है। एक तो इसमें बहुत बड़े बड़े गैप है जिससे ज्यादा डर लगता है, और क्रॉस करने के लिए बॉल रखी है जिससे हम लोग फिसल भी सकते हैं। बहुत स्मार्ट यार ये लोग। ओहो भाई भाई चलो चलो ये नीचे हुआ, जल्दी से आगे चलते हैं। गाइस हमारे पास बहुत अच्छा चांस है, चलो चलो चलो। अबे नहीं 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 नहीं। ओ भाई अब ये चीज थोड़ी
सी ट्रिकी हो सकती है, टाइम का खेल है, हमें अच्छे से क्रॉस करते हुए जाना है। गाइस क्या बात है, एक ही बार में कर दिया। पर गाइस हमारे पास टाइम कम है, हमें डायरेक्ट जाना है और ये मैं पहुंच गया। क्या बात है यार, अब जल्दी से उतरते हैं और जाके खड़े हो जाते हैं वहां पर। उसी के साथ हमें मिलते हैं $5 मिलियन। तो देखते हैं कि $5 मिलियन में कौन सा सूट है। ये वाला मार्केट और ये बाय। ये वाला तो मैंने पहली बार ही देखा और ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। एक मिनट, किसका फोन आ रहा है? फ्लैश। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, मुझे उस बच्चे की लोकेशन मिल गई है, रिवर्स फ्लैश उसके साथ ही है, तुम्हें जाके उसे तुरंत बचाना होगा इससे पहले कि वो उसे मार दे। अरे नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं पहुंचता हूँ। गाइस यार चलो, लोकेशन आ चुकी है, हमें तुरंत निकलना होगा। और ये मैं चला। गाइस हम लोग काफी ज्यादा स्पीड उड़ सकते हैं, मजा आ गया यार। रिवर्स फ्लैश मैं आ रहा हूँ, तुझे तेरे डायमेंशन में भेज के रहूंगा। गाइस लोकेशन तो यही की थी, पर यहाँ का तो मौसम ही बिगड़ा हुआ है। एक मिनट, सामने कोई तो खड़ा है नीचे। अबे ये तो फ्यूचर फ्लैश है, मतलब कि वो बच्चा। चल भाई अच्छा हुआ तू सेफ है, मैं तुझे बचाने आ रहा था। तुम मुझे तो बचा लोगी, पर तुम्हें कौन बचाएगा? एक मिनट भाई, ये क्या बोल रहा है, मैं तेरा दोस्त हूँ। तुम मेरे दोस्त नहीं, दुश्मन हो, मेरा काम है तुम्हें खत्म करना। एक मिनट गाइस, ये इसके शब्द तो नहीं लग रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि रिवर्स फ्लैश ने इसे अपने कब्जे में कर लिया है? वो यही कहीं पर होना चाहिए। एक मिनट, वो रहा, वो वहाँ ऊपर से इसे कंट्रोल कर रहा है ताकि हम लोग उस तक ना पहुँच पाए। इसने फ्यूचर फ्लैश को ही कंट्रोल करके हमारे सामने भेजा है। इसे पता है मैं उसे तो मारूंगा नहीं, मुझे रिवर्स फ्लैश को हराना होगा कैसे भी करके। अबे नहीं यार, ये बच्चा तो शुरू हो गया। एक मिनट, इसके पास तो पावर नहीं थी, कहाँ से आई? पक्का रिवर्स फ्लैश नहीं दी होगी ताकि ये हमें मार सके। अबे रुक जा यार, मैं तुझे मारना नहीं चाहता, तेरी तो रुक। ओ भाई साहब, ये तो पंच भी मारने नहीं दे रहा, बहुत ताकतवर है यार। पर कोई बात नहीं गाइस, हम भी कम नहीं है, हमारा सूट भी फुली अपग्रेड है। अब जा यहाँ से, इस बच्चे को कंट्रोल में करना होगा। ओ हो हो हो, अबे यार ये तो मारने को तैयार ही नहीं हो रहा। गाइस अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, इस सूट की पावर का इस्तेमाल करते जो होगा देखा जाएगा। ये ले। अब आना, अब क्या हुआ? गाइस इसे मुझे बेहोश करना है, अभी अपना कमाल दिखाता हूँ, सूट में जितनी पावर है लगा देता हूँ। अब ये ले, अब तो पक्का नहीं बचेगा। गाइस लग गया यार, इतनी दूर से मैंने निशाना लगा लिया। एक मिनट, फिर से आ रहा है, एक और बार मारते हैं। ये ले। चलो गाइस वो तो बेहोश हो गया है, अब जाके रिवर्स फ्लैश को मजा चखाते हैं। वो यही कहीं पर होना चाहिए, यही पर ऊपर था। वो रहा गाइस, अभी भी उस बच्चे को कंट्रोल में कर रहा है, अब बताता उसे। ये ले गाइस, कमाल हो गया, वो वहां से नीचे गिर चुका है। जल्दी से इसके पास जाता हूं और ये गया। फाइनली हमने इसे भी हरा दिया है, पर हमारे पास यहाँ रुकने का टाइम नहीं है, वो पोर्टल बंद हो जाएगा, मुझे उस बच्चे को लेके वहां पर जाना है। जल्दी जल्दी चलते हैं। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो मैं अपने घर वापस नहीं जा पाता। अरे नहीं नहीं यार, ये तो हमारा फर्ज था, अब तू जल्दी से जा वरना पोर्टल बंद हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो बाय बाय, मिलूंगा तुमसे वापस कभी। चलो गाइस वो तो जा रहा है और उसी के साथ ये पोर्टल भी गया, हम एकदम सही टाइम पर पहुंचे गाइस। चलो फाइनली काम हुआ।